स्टूडेंट देखने वाले हैं पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि हमारा रावत में है, जिसे हम PCCOER के नाम से भी जानते हैं। आज की स्टूडियो में आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको कॉलेज की रैंक, कॉलेज का ग्रेड, लोकेशन वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देख लेंगे डिपार्टमेंट एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में, कॉलेज में कितने ब्रांचेस हैं और कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, हर ब्रांच में कितनी इनटेक कैपेसिटी है। थर्ड नंबर पर हम कॉलेज का कट ऑफ देख लेंगे, जो कि हमारा MSCCET एंड JEE मेंस का है, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे। सेम उसी तरह हम कॉलेज का फीस भी देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देखेंगे, इनटेक कैपेसिटी क्या है, फीस वगैरह क्या है। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो एंड में हम वो देख लेंगे कॉलेज में कितनी कंपनी आई थी, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, हाईएस्ट पैकेज क्या और एवरेज पैकेज क्या था। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज की इमेज और कॉलेज का लोगो दिया गया है, जैसे कि आपने देख ही लिया रहेगा वीडियो में कॉलेज का कैंपस कैसा है। अब कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, तो न्यू कॉलेज अभी 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है पिंपरी चिंचवड़ एजुकेशन ट्रस्ट पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे है। कॉलेज के लोकेशन के बारे में, कॉलेज हमारा सर्वे नंबर 10 लक्ष्मी नगर रावत हवेली पुणे 4,12,101 में आ जाता है। कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज हमारा प्राइवेट नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, अफिलेटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। तो ये कॉलेज हमारा पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाता है। ग्रेड के बारे में बात करेंगे तो इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.pccoer.com। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। कॉलेज की जो ऑल इंडिया रैंक है NRF रैंक 250 से लेकर 300 के बीच में रहती है। कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारा पुणे, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अकुरुटी है 3 किलोमीटर की दूरी पे, नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा मुकई चौक है, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DTE कोड, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज कोड भी कहते हैं, 6822 है। कोर्सेज के बारे में बात करें तो कॉलेज हमें BE की डिग्री प्रोवाइड करता है। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो BE में हमें यहाँ पे 5 ब्रांचेस मिल जाती है। सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। हर एक की आप कैपेसिटी देख सकते हो यहाँ पे, सिविल की 60 की है, CS की यहाँ पे 180 की है, IT की 60 की है, ENTC की 60 की और मैकेनिकल की यहाँ पे 60 की है। तो टोटल BE में यहाँ पे हमें 420 सीटें मिल जाती हैं। अब हम कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे JEE मेंस का भी कट ऑफ दिया गया है। तो आपके JEE मेंस के अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या आपको या अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आप हर एक ब्रांच का कट ऑफ देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन OBC SC ST EWS TWS JEE मेंस, तो ये हमारी सब कैटेगरी है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच लिखी गई है और उसके आगे HO करके लिखा है। तो जो ओपन OBC ST ST है, जो कैटेगरी होती है, ये दो भाग में डिवाइड होती है। एक होम यूनिवर्सिटी के लिए अलग से रहती है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए अलग से रहती है। तो ये कॉलेज हमारा पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से आपका 12th बोर्ड हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे H का कट ऑफ देखोगे, मतलब होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखोगे, H वाला पूरा रो देखोगे। अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, पुणे के बाहर से, मतलब हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी से, नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती या सोलापुर, कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 71% डाल गया था सिविल के लिए, OBC का 38% डाल गया था, SC कैटेगरी का 20% डाल गया था। यहाँ पे वैकेंट लिखा हुआ है, वैकेंट मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे वैकेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो EWS TWS और JEE मेंस। तो EWS और TWS की जो सीट होती है हमारी स्टेट लेवल पे होती है, यहाँ पे कोई भी बंदा ले सकता है एडमिशन कोई भी यूनिवर्सिटी से, बस महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए। और JEE मेंस में भी कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी स्टेट का रहेगा चलेगा। यहाँ पे आप CS का कट ऑफ देख सकते हो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का। तो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखोगे 95% डाइल है और अदर देन का 97% डाइल है। तो जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल जाता है, जो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है उनका परसेंटाइल थोड़ा कम है, 1-2% कम है। आप हर एक डिपार्टमेंट का देख सकते हो, CS में आप यहाँ पे देख सकते हो 2% का डिफरेंस है, सिविल में तो आप देख ही सकते हो 50-60% का डिफरेंस है, IT में भी सेम 1% का, ENTC में 1% का है, मैकेनिकल में 4% का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। बाकी AWS TWS और JEE मेंस का भी आप कट ऑफ देख सकते हो। अगर आपको CS और IT चाहिए तो आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 97-95 है, OBC का 95-94 है, OBC का भी आप देख सकते हो, फिर SC कैटेगरी का भी आप देख सकते हो 90 के आसपास है, ST की तो मतलब सीट वैकेंट है, लेकिन 50-40 तक इसका कट ऑफ गया है SC कैटेगरी का। EWS का भी आप देख सकते हो, CS का 97 है, IT का 95 है, TWS का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, CS का 96.53 और IT का हमारा 95.93 है।
जेई मेंस का भी कट ऑफ देख सकते हो, सीएस का 90% डाल गया था, आईटी का यहाँ पे 89% डाल गया था। सेम ईएनटीसी डिपार्टमेंट का भी आप कट ऑफ देख सकते हो। तो इसी हिसाब से मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। तो आपको भी एक आइडिया जाएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कौन से ब्रांच में कितना परसेंटाइल कट ऑफ गया है। तो यह लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो आप उसके हिसाब से भी अपने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हो। अब हम कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 98,920 रुपीज़ दी गई है। कॉलेज की डेवलपमेंट फीस 11,080 रुपीज़ है। यूनिवर्सिटी एंड जो अदर फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 4,366 रुपीज़ है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस होती है यहाँ पे 1,14,366 रुपीज़ है। अब हर एक कैटेगरी के हिसाब से आप फीस देख लोगे तो ओपन की 1,14,000 है, एससी कैटेगरी की यहाँ पे 4,000 है, वीजेडीटी एनटी 1, 2, 3 एसबीसी और एसटी की यहाँ पे 15,000 है, ईवीसी एसईबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पे 64 है, टीआरडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 दी गई है। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हॉस्टल की फ़ीस दी गई है और मेस का फीस यहाँ पे दिया गया है। तो जो हॉस्टल की फ़ीस है यहाँ पे 50,000 दी गई है और मेस का चार्ज यहाँ पे 40,000 दिया गया है। और डिपॉजिट आप देख सकते हो हॉस्टल का जो फीस है 2,000 दिया गया डिपॉजिट। तो टोटल जो आपकी फ़ीस हो रही है हॉस्टल की फ़ीस सिर्फ 52,000 है यहाँ पे और मेस का यहाँ पे 40,000 है। तो टोटल जो आपकी फ़ीस होती है हॉस्टल की पूरे साल की मिला के 92,000 दी गई है यहाँ पे। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर में दिया गया है वहाँ पे लिखा है कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हायर स्टडी के लिए कौन कौन गया वो ब्लू में दिखाया है, यहाँ पे ग्रीन कलर शो कर रहा है कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2018 से देखते हैं, तो टोटल 189 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 309 में से। फिर यहाँ पे 210 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 356 में से 2019 में। 2020 में आप देखोगे तो 204 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 356 में से। यहाँ पे 2020 में भी आप देखोगे तो 386 में से 202 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। 2021-22 का भी आप देखोगे तो 209 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 376 में से। तो आप देख सकते हो हर साल कितना परसेंट प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वही 60-70-80% प्लेसमेंट होता है। एंड 2-3% स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने परसेंट प्लेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे एकेडमिक ईयर के हिसाब से दिया गया एवरेज पैकेज कितना है, तो 2018 में 2.56 लैक्स था एवरेज पैकेज। यहाँ पे 2019 में 3.22 LPA था, 2020 में 3.53 LPA था, 2021 में 4.29 LPA था और 2022 में लास्ट ईयर का आप देख सकते हो 5.36 LPA था। क्योंकि एवरेज पैकेज आप देख सकते हो हर साल इंक्रीज़ होते जा रहा है, पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर अभी 5 हो गया। अब यहाँ पे दिया गया कितने ऑफ़र मिले, कितने टाइप के ऑफ़र मिले, तो आप देख सकते हो 2022 में टोटल 454 ऑफ़र मिले थे, 2021 में 310 ऑफ़र थे, 2020 में यहाँ पे 304 ऑफ़र थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने लैक्स के लिए कितने ऑफ़र थे। तो आप देख सकते हो 7 लैक्स के लिए यहाँ पे 82 ऑफ़र मिले थे लास्ट ईयर, मतलब 2022 में। फिर आप 5-7 लैक्स के बीच में देख सकते हो टोटल 97 ऑफ़र मिले थे। फिर आप 3.5 से लेके 5 लैक्स के बीच में देख सकते हो 256 ऑफ़र मिले थे। और 3.5 के नीचे आप देख सकते हो 19 ऑफ़र मिले थे। तो मैक्सिमम जो ऑफ़र है आपको देख सकते हो 3.5 से लेके 5 के बीच में, मतलब 256 ऑफ़र है। तो कॉलेज का एवरेज पैकेज ही 3.5 से लेके 5 के बीच में। और इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है 12 लैक्स से लेके 16-18 लैक्स तक जाता है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपकी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।